नमस्कार, आरएचएमई की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रॉमा के ऊपर, या रोड साइड एक्सीडेंट या ट्रॉमा, जिसमें जो पेशेंट को जब होता है तो उस टाइम पे वो क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से एक पेशेंट की मॉर्टेलिटी या उसके डेथ होने के चांसेस रहते हैं, उन क्या क्या चीजों का सावधानी रखनी है जब भी आपके सामने कोई ट्रॉमा का पेशेंट आता है, और वो क्या क्या चीजें हैं जिसको हमें गौर से देखना जरूरी है, क्योंकि वही सारे कारण है जिसकी वजह से पेशेंट की मौत का कारण बनते हैं। तो हम एक एक करके इन सारी चीजों पर बात करते हैं, उन सारे पहलुओं पर बात करते हैं, और कैसे उस टाइम पे पेशेंट को मैनेज करना है, कैसे पेशेंट को शिफ्ट करना है, उन सारी चीजों पर बात करते हैं। तो ये एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स है जिसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू ट्रॉमा पे बात करेंगे, उसमें हम सारे जो ट्रॉमा है, ट्रॉमा की वजह से डेथ के कारण क्या है, उन सब चीजों पर बात करेंगे, और फिर क्रम वाइज एक एक जगह की बात करेंगे, जैसे पेट का ट्रॉमा हो गया, चेस्ट का ट्रॉमा हो गया, बोन फ्रैक्चर्स हो गया, हेड एंड नेक इंजरीज हो गया। तो इस प्रकार से क्रम वाइज हम इस पूरी सीरीज को चलाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी कोई ट्रॉमा का पेशेंट आपके सामने आता है तो वो क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से उस पेशेंट की डेथ होने के चांसेस रहते हैं, या उस पेशेंट की जो कंडीशन है वो एक कॉम्प्लिकेटेड रूप में मतलब ले लेती है, तो वो क्या क्या ट्रॉमा के जो दिक्कतें हैं उस पर हम समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि हेड एंड नेक इंजरी है। देखिए, हेड और नेक जो है, ये एक तरीके से हमारे शरीर के एक वाइटल पार्ट है, क्योंकि हेड जो है हमारे शरीर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जिसमें लंग्स हैं, हार्ट है, या अंदर शरीर के जो भी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के जो सिस्टम है, जिसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है ब्रेन से और आपके सर्वाइकल एरिया, मतलब आपके नेक एरिया से निकलता है। तो अगर किसी पेशेंट को यहाँ पे इंजरी है तो पेशेंट की एक्यूट उसका रेस्पिरेशन, एक्यूट उसका हार्ट की रिदम एबनॉर्मल होने की वजह से डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारा कंसर्न ये है कि कोई भी पेशेंट अगर आपके पास दिखता है और उसको ट्रॉमा हुआ है, उसको हेड और नेक में इंजरी है, तो उसको प्रोटेक्टिव तरीके से पेशेंट को शिफ्ट करना है, वो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो नेक्स्ट हम अपनी वीडियोस में बात करेंगे, जब हेड एंड ट्रॉमा पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे। लेकिन हेड एंड नेक ट्रॉमा में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे हमारे वाइटल एरियाज, वाइटल चीजें पड़ी हुई हैं, जिसको हमें बड़ी सावधानी से पेशेंट को उस समय रख रखाव करके उसे मूव करना है। अब दूसरी चीज जो है ट्रॉमा में जो हमें ध्यान रखना है, वो है मैसिव ब्लड लॉस। देखिए, मैसिव ब्लड लॉस जो है, मतलब खून का ज्यादा निकलना शरीर से, वो एक बहुत बड़ा कारण है पेशेंट की मौत का। स्पेशली जब आप देखते हैं कि ऐसी बोन इंजरी, जैसे लॉन्ग बोन इंजरीज होती है, या ओपन वूंड्स होते हैं, या पेट में अगर कोई इंजरीज हो जाती है, या चेस्ट में कोई ट्रॉमा होता है, तो यहाँ पे करीब करीब मान के चलिए 1 से 2 लीटर के करीब ब्लड लॉस हो जाता है। और ये इतना ब्लड लॉस होता है जिसमें पैल्विक एरिया भी इन्वॉल्व होता है, पैल्विक रीजन के फ्रैक्चर्स होते हैं। तो ये सारे जितने भी फ्रैक्चर्स हैं, ये एब्डोमिनल ट्रॉमा है, चेस्ट ट्रॉमा है, इसमें मैसिव ब्लड लॉस होने के चांसेस रहते हैं। और ये जो ब्लड लॉस है, ये एक तरीके से आपके शरीर में जब ब्लड का कमी हो जाएगी तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हीमोडायनेमिक्स कमजोर हो जाएंगे, और धीरे धीरे पेशेंट की डेथ होने के चांसेस, पेशेंट की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी आप कोई ट्रॉमा पेशेंट देख रहे हैं, उसके सोर्स ऑफ ब्लीडिंग को आइडेंटिफाई करके, इंटरनल है तो इंटरनल को, एक्सटर्नल है और एक्सटर्नल को, उसको अगर आप रोक सकते हैं ऑन द स्पॉट, उसको रोकने का प्रयास करें, और एज अर्ली एज पॉसिबल पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करें, क्योंकि जितना ब्लड लॉस होता रहेगा, जितना उस जगह से ब्लीडिंग होती रहेगी, उतना ही पेशेंट के बचने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा काम है जिसको हमें ध्यान रखना है। तीसरी चीज क्या है, चेस्ट इंजरी। चेस्ट जो है, छाती जो है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे दो वाइटल ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। पहला आपका लंग्स है, जिसमें आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। दूसरा आपका हार्ट है, जो आपकी बॉडी में कार्डिक पंपिंग करता है, आपकी बॉडी में पूरा सर्कुलेशन मेंटेन करता है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर चेस्ट ट्रॉमा होता है तो अगर ऐसी स्थिति आती है जिसकी वजह से आपके लंग्स के चारों तरफ अगर हवा भर जाती है, जिसको टेंशन निमोथोरक्स बोलते हैं, या आपके लंग्स में अगर कोई ऐसा होता है जो ओपन लंग इंजरी होती है कि हवा एंटर कर रही है, या इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे पेशेंट में सांस ना प्रॉपर आने की वजह से पेशेंट को दिक्कत होती है, पेशेंट की जान तक जा सकती है, क्योंकि पेशेंट जो है एक रेस्पिरेटरी फेलियर में चले जाता है, पेशेंट को सांस लेने में इतनी दिक्कत होती है कि ऑन द स्पॉट पेशेंट को सांस ना मेंटेन होने की वजह से डेथ होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज क्या है कि जो हार्ट है, हार्ट की जो पंपिंग है, अगर हार्ट के चोट लगने की वजह से
हार्ट के चारों तरफ जो है वो ब्लड इकट्ठा होने की वजह से हार्ट कंप्रेस हो जाता है, इसको कार्डियक टैम्पोनेट बोलते हैं। और ये कार्डियक टैम्पोनेट एक ऐसी स्थिति है जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें हार्ट अपना प्रॉपर पंपिंग ना करने की वजह से पेशेंट की डेथ होने की, मॉर्टेलिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है जिसको आइडेंटिफाई करना और तुरंत उसको शिफ्ट करना, या अगर एट द प्लेस ऑफ इमरजेंसी प्लेस पे अगर कुछ हम कर सकते हैं, जिसके बारे में हम नेक्स्ट अपनी वीडियोस में बात करेंगे, उसमें हम पेशेंट की लाइफ को बचाने में पेशेंट की मदद कर सकते हैं। चौथी चीज क्या है, जो है फैट एम्बोलिज्म। फैट एम्बोलिज्म में देखिए क्या है कि जब आपके लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होता है, देखिए बोन्स जो है, बोन्स में चारों तरफ तो हड्डियां होती हैं, अंदर एक बोन मैरो होती है जिसमें फैट पड़ा होता है। फैट जो होता है वो हमारी बॉडी में क्या है कि उसका वहां पे बोन मैरो का काम क्या है, हमारी बॉडी में न्यू सेल्स फॉर्मेशन का होता है। लेकिन जब आपका फ्रैक्चर हो जाता है तो वहां से जो फैट है, फैट ग्लोब्यूल्स हैं, वो सीधा आपके मतलब ब्लड वेसल से जाके आपके लंग्स में चले जाते हैं, और जिसकी वजह से पेशेंट को सडन ऑनसेट ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। तो फैट एम्बोलिज्म जो है ट्रॉमा पेशेंट में होना एक आम है, अगर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर है तो लॉन्ग बोन फ्रैक्चर को बिफोर शिफ्ट करने से पहले उसको स्टेबलाइज करना, ताकि उसके पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस ना के बराबर जाएं, ये चीज का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से ये चार चीजें हैं जिसपे हमें गौर करना बहुत जरूरी है, और ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है।